दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग और उनसे जुड़ी समितियां पहुंची और यहां पर साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की समस्या उठाई। साप्ताहिक बाजार लगाने वालों का कहना था कि करीब 3 महीने पहले जैसे ही लॉकडाउन लगा था उस वक्त सबसे पहले साप्ताहिक बाजारों को बंद किया गया था और अभी तक भी साप्ताहिक बाजारों को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ जगह पर जरूर हो सकता है कि साप्ताहिक बाजार चोरी छिपे लगते हो, लेकिन कानूनी रूप से साप्ताहिक बाजारों को लगने की अनुमति नहीं दी गई है। इनका कहना है कि साप्ताहिक बाजार सबसे पहले बंद किए गए थे और अभी तक भी साप्ताहिक बाजार नहीं खोले गए हैं। सरकार से, केजरीवाल सरकार से मांग करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर आए हैं कि साप्ताहिक बाजारों को तुरंत खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सभी चीज़ें खुल गई है। इनका कहना है कि ये नियमों के साथ अपने बाजार खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें बाजार खोलने की अनुमति दी जाए। इनका कहना है कि यदि कल तक का वक्त सरकार को दिया जाता है, वरना कल के बाद ये आंदोलन करेंगे, इस चीज़ का विरोध जताएंगे। इसी का ज्ञापन देने के लिए आज ये मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे हैं और इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है, बाहर से इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि सरकार यदि बाजार खोलने की अनुमति नहीं देती है तो कम से कम इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो होकर्स हैं, जो होकर्स कमेटियां बनी है, जो होकर्स के लिए समिति बनी है, उसमें जो रजिस्टर्ड हैं, उन साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को सरकार कुछ भी मेहनताना उनको देना चाहिए। जिस तरह से ऑटो चालकों की मदद की, रिक्शा चालकों की सरकार ने मदद की, इसी तरह से साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की भी मदद की जानी चाहिए। इनका कहना है कि ये देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग भी टैक्स देते हैं, इसलिए इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सबसे पहले इनके बाजार बंद हुए थे, अभी तक ये बेरोजगार है। इसी मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर वीरवार के दिन 22 जुलाई 2021 को साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग और उनके साथ में साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की कुछ एसोसिएशन मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची है। मेहनत कश बाजार वाले हैं, जो कभी EWS से इन्होंने कभी सरकार से कोई मदद नहीं मांगी, ये टैक्स देते हैं और बाजार लगा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम आज केजरीवाल जी के पास मिलने के लिए आए थे कि दिल्ली का ये बाजारवासी जो मेहनत मजदूरी करके रोटी खाता है, 6 महीने 2020 में बेरोजगार रहा, 3 महीने से अब बेरोजगार है, आखिर इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? आज ये इनके बच्चे दूध को तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी फीस ना देने की वजह से इनके बच्चों के स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं। यहाँ के माध्यम से केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि हम कल का टाइम दे रहे हैं, हमारे बाजारों को खोल दो, और अगर आपकी मजबूरी है बाजारों को ना खोलने की, तो जो न्यूनतम वेतन है, आपने तहबजारी की फीस ली है, सरकार को टैक्स देते हैं, ये खाने का टैक्स देते हैं, कपड़े का टैक्स देते हैं, आपका फर्ज बनता है कि इनके बच्चों का ख्याल रखें। 18,000 जो न्यूनतम वेतन है, आज वो ज्वाइंट हॉकर एक्शन कमेटी मांग करती है कि इनकी या तो बाजार लगाएं या इनको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दें, केंद्र सरकार से बातचीत करके दिल्ली सरकार दोनों मिल करके दे, और पिछले 9 महीने जो ये बेरोजगार आए हैं उसका मुआवजा दें। इसकी मांग को लेकर के हम 24 तारीख को प्रातः 10 बजे उपराज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक कटोरा लेकर के भीख मांग कर प्रदर्शन करेंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो बड़ा आंदोलन होगा।